हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर सुरक्षित होंगे मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन सो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एस सेकेंड ईयर का सिलेबस तो so, आप सभी को पता है कि अब आपकी जो बी है वो सेमेस्टर वाइज हो चुकी है यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके टू सेमेस्टर होते हैं सेम इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी आपके टू सेमेस्टर होंगे थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर और उसके बाद में थर्ड ईयर में भी आपके टू सेमेस्टर होंगे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर तो बात करें सेकेंड ईयर की सेकेंड ईयर में आपके टोटल दो सेमेस्टर होंगे तो पहले आपका थर्ड सेमेस्टर होगा तो थर्ड सेमेस्टर में आपकी बच्चा दो बुक्स हैं फर्स्ट बुक होगी आपकी एल्जेब्रा एंड सेकेंड बुक होगी आपकी मैथमेटिकल मेथड्स सो देखिए दोनों ही बुक्स को मिलाकर अगर बात करें हम तो दोनों बुक्स में आपकी टोटल एट यूनिट्स हैं यानी कि फर्स्ट बुक में आपकी फ़ोर यूनिट्स हैं और सेकंड बुक में भी आपकी टोटल फोर यूनिट्स हैं अब इनके अंदर आपके चैप्टर डिवाइड्स हैं तो चैप्टर्स का भी मैं बिल्कुल आपको फाइनल ये नहीं बता सकती कि फ़र्स्ट बुक में इतने चैप्टर हैं सेकेंड बुक में इतने क्योंकि अभी आप सभी को पता है यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ मेनली जो पढ़ाती हूँ वो सी सी यूनिवर्सिटी के लिए होता है बट सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपका सिलेबस सेम है तो इसलिए मैं आपको यूनिट वाइज बता देती हूँ कि आपके क्या क्या टॉपिक्स होंगे और कौन कौन से आपके चैप्टर्स हो सकते हैं कम से कम ठीक है एक दो चैप्टर आगे पीछे हो सकता है बट ज़्यादातर चैप्टर्स आपके यही होंगे आपकी न्यू बुक में भी क्योंकि एन के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है सिलेबस आपका चेंज हो चुका है तो सभी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप सभी यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं सो देखिए बात करें यूनिट वन एंड यूनिट टू की तो यूनिट वन में आपका चैप्टर होगा इक्वी बैलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस और यूनिट टू में आपका चैप्टर होगा ग्रुप क्योंकि इसमें इन्होंने क्या दे रखा है जिसमें सिलेबस आपको गिवन है तो उसमें यूनिट वन के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है इक्वी बैलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस के कुछ टॉपिक्स और उसमें कुछ टॉपिक्स आपको ग्रुप के भी दिए हुए हैं जबकि यूनिट टू में आपको कंप्लीट जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो ग्रुप के दे रखे हैं तो हो सकता है कि इस बार ये चैप्टर्स डिवाइड कर दें बट जो सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें जो टॉपिक्स आपको गिवन है वो कंप्लीट एक चैप्टर होता था पहले आपका ग्रुप तो उसके अंदर ही वे सभी टॉपिक्स आ जाते थे बात करें जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर होगा इक्वी बैलेंस रिलेशन एंड इसमें आप पढ़ोगे फंक्शन की मैपिंग्स के बारे में बाइनरी ऑपरेशन के बारे में रिलेशन के बारे में इक्विवेलेंस बैलेंस रिलेशन एंड पार्टीशंस के बारे में आप लोग पढ़ोगे और बात करें ग्रुप की तो ग्रुप चैप्टर में आप पढ़ोगे डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप एबिलियन ग्रुप नॉन एबिलियन ग्रुप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एंड उसके बाद में आपकी जो सेकेंड यूनिट दिखा रखी उसके अंदर जो ग्रुप के गिवन है वो है आपको अल्टरनेटिंग ग्रुप इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ग्रुप होमोमॉरफिज्मी कि होमोमोरफिज्म आइसोम ग्रुप्स द रिलेशन ऑफ आइसोम इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप थ्योरम ऑन सब ग्रुपोजिशन साइकिल्स पढ़ने वाले हो चैप्टर ग्रुप के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बात करें टफ की तो काफी टफ भी यह चैप्टर है और ज्यादा सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग ये चैप्टर है आपका क्योंकि ये इतना जितना पूरी बुक में नहीं है सेकेंड यूनिट कंप्लीटली आपकी एक एक ही चैप्टर पर डिपेंड कर रही है और ये चैप्टर ऐसा है जिससे आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है चाहे वो थ्योरम्स हो चाहे वो क्वेश्चन हो तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका इसके बाद बात करें यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर की तो देखिए जो इनके अंदर टॉपिक्स हैं तो यूनिट थर्ड के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपके मैच करते हैं चैप्टर नॉर्मल सब ग्रुप से और जो यूनिट फोर के चैप्टर्स हैं वो सॉरी जो टॉपिक्स हैं वो आपके मैच करते हैं चैप्टर रिंग्स से क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप में पहले सेपरेट चैप्टर्स हुआ करते थे और इन्हीं के टॉपिक्स आपके यूनिट के अंदर दे रखे हैं तो हो सकता है या तो ये डायरेक्ट आपको चैप्टर गिवन हो या फिर इनमें से कुछ टॉपिक्स आपको अलग चैप्टर में दे दिए हो या फिर कुछ टॉपिक्स आपको अलग चैप्टर में गिवन हो वो जब आपकी न्यू बुक आ जाएगी उस के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा बट बात करें चैप्टर नॉर्मल सब के अंदर आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ोगे आप नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ोगे सिंपल ग्रुप को पढ़ोगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को पढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स इनवेरियंट सब ग्रुप ग्रुप और आप होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप्स पढ़ोगे एक इसमें आपकी थ्योरम होगी कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम में काफी टाइम्स पूछी जाती है एंड रिलेटेड थ्योरम्स जो भी से रिलेटेड थ्योरम्स होंगी वो आपकी होंगी इस चैप्टर के अंदर ठीक है तो इस यूनिट में ये सभी टॉपिक्स आप कवर करोगे उसके बाद बात करते हैं यूनिट फोर की तो यूनिट फोर में जो आपका चैप्टर है वो है रिंग रिंग के सभी टॉपिक्स आपको यूनिट में गिवन है तो इसके अंदर आप पढ़ोगे रिंग्स के बारे में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर्स इंटीग्रल डोमेंस एंड फील्ड डिवीजन रिंग एंड इसक्यू फील्ड एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑन रिंग

सेकंड बुक की सेकंड बुक है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स तो बात करें इसमें यूनिट वन और यूनिट टू की तो यूनिट वन में जिसमें चैप्टर है, वो इसमें थ्री चैप्टर मान के चल सकते हैं क्योंकि क्योंकि जो आपका चैप्टर वन है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे यूनिट वाइज बता रही हूँ तो यूनिट वन है उसके अंदर जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपकी दो तीन चैप्टर से रिलेटेड है जैसे कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया डिफ्रेंशियाबिलिटी हो गया तो हो सकता है कि उससे आपके दो चैप्टर्स बनाए वो तीन चैप्टर्स बनाए तो उनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में आपको ये नहीं कह सकते हूँ श्योर हो कि हाँ ये चैप्टर्स हो सकते हैं लेकिन उसके बाद में जो टॉपिक्स हैं वो आपके मैच करते हैं चैप्टर्स मैक्सिमा एंड मिनिमा से तो हो सकता है कि इसमें चैप्टर टू हो आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक चैप्टर हो इसमें आपका जैकोबियंस तो इसके अंदर ये होंगी उसके बाद में यूनिट टू की बात करें तो यूनिट टू के अंदर आपका चैप्टर होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म बात करें इन चैप्टर्स में आप टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ोगे यूनिट में जो आपके टॉपिक्स हैं वो हैं आपके लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ओनली स्टेटमेंट आपको याद रखना है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन विद एक्साम्पल्स तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मैं कंप्लीटली ये आपको श्योर होकर नहीं कह सकती ये कि कि किस चैप्टर से आपके होंगे इनके आपके अलग अलग कौन कौन से चैप्टर्स बनाए जा सकते हैं लिमिट एंड जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो वो चैप्टर हो डिफरेंशिएशन का भी आपने एक अलग से चैप्टर पढ़ा था तो कुछ भी ये दे सकते हैं तो वो आपकी जब न्यू बुक आ जाएगी तब पता चलेगा इसके बाद भी बात करें यूनिट टू की तो यूनिट टू के अंदर आपका चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसके अंदर आप टॉपिक्स पढ़ोगे एग्जिस्टेंस थ्योरम्स फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स लीनियरिटी ऑफ लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिटिव इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ अ फंक्शन तो ये सभी टॉपिक्स आप यूनिट वन एंड यूनिट टू के अंदर पढ़ोगे इसके बाद में बात करें यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर की तो यूनिट थ्री के अंदर आपका एक चैप्टर होगा जिसके सभी टॉपिक्स आपके मैच करते हैं इस चैप्टर से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड यूनिट फोर के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके मैच करते हैं चैप्टर फोर ईयर सीरीज से देखिए मैं मैच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये सभी चैप्टर्स पहले भी बी में थे बट इस बार एन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि दैट जैसे ये चैप्टर आपके इनमें से कुछ आपके जो चैप्टर्स है वो आपके बी एस ईयर में थे कुछ फर्स्ट ईयर में थे तो इस तरीके से उन सभी में से कुछ कुछ चैप्टर

सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो देखिए बात करें तो देखिए बात करें चैप्टर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो इसके अंदर आप टॉपिक्स पढ़ोगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स लीनियरिटी ऑफ ली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग थ्योरम्स फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपको पढ़नी है कॉन्वल्यूशन थ्योरम सॉल्यूशन ऑफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये सभी टॉपिक्स तो आपको यूनिट थ्री के अंदर पढ़नी है और यूनिट फोर के अंदर आपका चैप्टर होगा फोर ईयर सीरीज और एक इसमें चैप्टर हो सकता है आपका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म्स विद फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फाइनाइट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म्स के लिए और एक

गया होगा सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो अपने सिलेबस को एक बार मैच कर लीजिएगा कि अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है यानी कि यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स है वो आपके मैच हो रहे हैं तो आप यहाँ से क्लासेज इजीली ले सकते हैं बात करें आपकी क्लासेज की टाइमिंग क्या होगी और किस टाइप से आपको क्लासेज मिलेगी तो थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए पहली बात तो ये कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे यानी कि क्लासेस के लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सभी क्लासेस आपको आप यूट्यूब पर ही मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ़ कॉस्ट तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकता है ईजिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई वीडियोज़ को शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ पाएँ और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ क्योंकि बी में आप सभी को पता है कि एक तो फीस इतनी ज़्यादा महंगी होती है और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गाँव से बिलोंग करते हैं और आस को जाने में ट्यूश लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिस वजह से वो अपनी बी जो है वो बीच में ही स्किप कर देते हैं तो जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में को शेयर कीजिएगा सो बात करें कॉस्ट मैंने आपको आपको बता दी कि इसके लिए आपको कोई भी प्राइस देने की जरूरत नहीं है बात करें आपकी क्लासेस की तो क्लासेस आपकी हुआ करेगी मंडे टू सैटरडे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला करेगी एंड संडे में आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी सेवन पीएम पर मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस हुआ करेंगी और लाइव क्लास हुआ करे आपकी 7 PM पर बात करें की टाइमिंग क्या होगी? तो जो आपकी दोनों बुक्स की आपको टाइमिंग बता दी फर्स्ट बुक की 3 पी पर आपको क्लास मिलेगी और सेकंड बुक आपको 6 पी पर मिलेगी क्लासेस आपकी लाइव नहीं होंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी बट वे एज अ लाइव आपको चला, मिला करेंगी मतलब प्रीमियर की फॉर्म में मिला करेंगी वहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो लाइव चैट जिसे कहते हैं लाइव चैट आपकी वहाँ पे अवेलेबल होगी तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लाइव चैट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप बाद में अगर आपको वीडियो एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो अभी कुछ दिनों से हमारी थोड़ी सी इरेगुलर हो रही थी क्लासेज में तो इस वजह से आपको आपके कमेंट्स के आंसर नहीं मिल पा रहे थे बट अब ऐसा नहीं होगा आपको आपके आंसर्स डेली के डेली में कोशिश करा करूँगी कि मिल जाए और दूसरी बात कि जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल चलाते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस उससे ये बेनिफिट होगा कि जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक नहीं है वो स्टूडेंट्स से पीडीएफ ले सकते हैं क्योंकि वहां पर मैं आपको चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके जो मैं आपको क्लास में कराती हूं क्लास में तो क्वेश्चन सभी कराती हूं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्लासेस में आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वो क्वेश्चन जो आपके आने की पॉसिबिलिटी होती है वो क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं एग्जाम्पल्स आपको अपने आप करने होते हैं तो एग्जाम्पल्स की पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपके पास में अभी बुक नहीं है या फिर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो किसी भी कंडीशन में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले वहां पे आपको क्लास किस टाइम होगी किस टाइम आपकी क्लास जल रही सभी की अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस तो स्पेलिंग में कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करेगा प्लस जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बच्चे आपको अपने आप करने होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स आप इजीली कर सकते हो जब मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस करा देती हूं तो एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको गिवन होता है बुक में तो आप उसको देख के कर सकते हो बट फिर भी अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आती है करने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमारे पे इस वाले एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा या फिर इस वाले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा आप एक बार करा दीजिए उसका सॉल्यूशन मैं आपको डाउट क्लास में करा दूंगी और हो सके तो जैसे कि आप देख रहे हो आज आपने देखा आप एक तो आपको क्लासेस बिल्कुल रेगुलर लेनी है वरना फिर आप कहते हो कि मैम हमारा सिलेबस छूट गया है हमारा पीछे रह गया है तो आपको क्लासेस डेली के डेली लेनी है जो डेली रिकॉर्ड हो रही है तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा जैसे मैंने आज आपको कुछ भी पढ़ाया उसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप आज के आज ही कमेंट कर देना कि मैम हमें यहाँ पे ये वाली चीज समझ में नहीं आई तो कल जो वीडियो डलेगी मैं उसी में आपको कवर करा दूंगी तो उससे आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो बाद में वीडियो उसको देखूंगी तो तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको मंडे टू करेंगी फर्स्ट बुक की क्लास आपको सेकेंड बुक की क्लास आपको सिक्स पीएम पर मिला करेगी और संडे में आपकी सेवन पी पर लाइव क्लास हुआ करेगी संडे में आपको कोई भी क्लास नहीं मिला करेगी उस दिन सिर्फ आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी और लाइव क्लास में हम कुछ पढ़ा नहीं करेंगे सिर्फ एक ऐसा कनेक्शन फील करने के लिए स्टडी से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए हम हाँ अपनी लाइव क्लास क्या करेंगे ठीक और हाँ फर्स्ट बुक की जो आपकी क्लास है यानी कि अल्जैबरा की वो आपको कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी थ्री पी पर और जो आपकी सेकेंड बुक है उसकी क्लास आपको मिलनी स्टार्ट होगी पंद्रह तारीख से उससे पहले नहीं होगी ठीक है so तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वही वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अब तो आप और भी ज्यादा बड़े हो चुके हो सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो वही जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो आपके फर्स्ट ईयर में जिन्होंने अब एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आसपास हो जो भी स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज में आपके आसपास हो तो आप उन सभी को भी ये दे सकते सकते हो हो कि आप वहां से पढ़ सकते कोई जोर जबरदस्ती नहीं अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हो अगर आपको यहां से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है ये मैं इसलिए बोल रही ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो का बेनिफिट ले सके होप so आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद